हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर श्याम लाल गुप्ता, लेक्चरर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। आज हम पॉलीमर के अंदर रबड़ पढ़ेंगे कि रबड़ कैसे, किस तरह से बनाए जाते हैं और कौन कौन से टाइप के रबड़ होते हैं। फर्स्टली बात करते हैं नेचुरल रबड़ की। देखिए, नेचुरल रबड़ जो है ये हीविया ब्रेसिलेंसिस नामक पेड़ के लटेक्स से बनाया जाता है। हीविया ब्रेसिलेंसिस एक पेड़ होता है, ब्राजील में पाया जाता है, जिसके लटेक्स से ये रबड़ बनाया जाता है। पेड़ का नाम है हीविया ब्रेसिलेंसिस। अब ये हीविया ब्रेसिलेंसिस जो पेड़ होता है, उसके लेटेक्स में क्या करते हैं, उसके लेटेक्स निकाला जाता है, उस लेटेक्स की रिएक्शन करवाई जाती है 1% एसिटिक एसिड के साथ। ये जो लेटेक्स है इसकी रिएक्शन करवाई जाती है 1% एसिटिक एसिड के साथ, जब 1% एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो इसमें जो लेटेक्स है ये जम जाता है, इसका कोगुलेशन हो जाता है। जमना मतलब कोगुलेशन बोलते हैं इसको, स्कंदन हो जाना, और जिससे जमने के पश्चात जो पदार्थ बनता है वो कहलाता है नेचुरल रबड़, प्राकृतिक रबड़। ठीक है, अब इसमें इस लेटेक्स में ऐसा क्या होता है जिससे ये जम जाता है और नेचुरल रबड़ का निर्माण करता है? इसके अंदर होता है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन बोलते हैं 2-मेथिल वन थ्री ब्यूटा डाइईन। देखिए, 1, 2, 3, 4, 2 पोजीशन पर मेथिल है, 1,3-ब्यूटाडाइन, इसका नाम है आइसोप्रीन। जब 1% एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, इसका पॉलीमराइजेशन हो जाता है और एक पॉली आइसोप्रीन का निर्माण होता है, जिसे नेचुरल रबड़ कहते हैं। और अगर ये हमेशा याद आपको होना चाहिए कि जब पॉलीमराइजेशन होता है, बहुलीकरण होता है, तो दो डबल बॉन्ड है तो वो एक में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? जैसे इस साइड से अटैक करेंगे, इस साइड से कोई अटैकिंग स्पीसीज होगी इस पर अटैक करेगी तो ये आगे जाएगा, इसी तरह ये आगे भी यूनिट होगी इसकी, उस पर अटैक करते चले जाएंगे, तो इस तरह से पॉली बहुत सारे अणु जुड़ करके पॉली आइसोप्रीन का निर्माण करेंगे, जिसे नेचुरल रबड़ कहते हैं, ये वाले स्ट्रक्चर। अब ये जो नेचुरल रबड़ है दो रूप में पाया जाता है, एक सिस रूप में और एक ट्रांस रूप में। सिस रूप में देखिए कैसे, ये एक यूनिट हो गई, देखिए CH2 CH2, CH3 CH और CH2, ये दूसरी यूनिट हो गई, ये सेकंड, इसी तरह ये तीसरी, इसी तरह ये चौथी, और सब में देखिए सारे CH2 एक साइड हैं। इन सब के अंदर जितने भी CH2 हैं वो सारे एक साइड हैं और सारे CH3 एक साइड हैं, तो ये तो कहलाता है सिस रूप। और सिस रूप ही क्या कहलाता है? नेचुरल रबड़ कहलाता है। सिस रूप जो होता है वही क्या कहलाता है? नेचुरल रबड़ कहलाता है। ठीक है, और एक रूप होता है इसका ट्रांस रूप। ये इसका ट्रांस रूप में देखिए, एक तो ये रही फर्स्ट, इस तरह दूसरी यूनिट, इसी तरह ये तीसरी यूनिट और ये चौथी यूनिट। और इसमें देखिए CH2 इस साइड है तो अगला CH2 इस साइड है, फिर ये CH2 इस साइड है, फिर ये अलग है, तो सब अलग अलग डायरेक्शन में है। तो ये और CH3 देखिए इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसे क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्म। और ट्रांस रूप का दूसरा नाम है गट्टा पर्चा, क्योंकि गट्टा पर्चा नामक वैज्ञानिक ने बनाया था, इसलिए ट्रांस रूप कहते हैं। इसे बलाटा भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है बलाटा। ठीक है, तो नेचुरल रबड़ दो रूप में पाया जाता है, एक तो सिस रूप में और एक ट्रांस रूप में। सिस रूप ओरिजिनली नेचुरल रबड़ कहलाता है, जबकि ट्रांस रूप गट्टा पर्चा यानी कि बलाटा कहलाता है। कैसे बनता है? लेटेक्स से बनता है। लेटेक्स कौन से पेड़ में पाया जाता है? हीविया ब्रेसिलेंसिस नामक पेड़ में पाया जाता है। रिपीट कर रहा हूं मैं वापस, हीविया ब्रेसिलेंसिस नामक पेड़ में पाया जाता है। क्या करते हैं? 1% इसके साथ एसिटिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, जिससे यह जम जाता है, और जमने के पश्चात इसका निर्माण होता है पॉलीआइसोप्रीन यानी कि पॉलीमर का, नेचुरल रबड़ का। इसके देखते हैं आर्टिफिशियल रबड़, कृत्रिम रबड़।
कृत्रिम रबड़ देखिए क्या होता है, कृत्रिम रबड़ के अंदर, देखिए कृत्रिम रबड़ क्या होता है, कृत्रिम रबड़ लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया जाता है, इंडस्ट्री में सिंथेसाइज किया जाता है। तो पहला है नियोप्रिन रबड़, पहला कृत्रिम रबड़ में नाम है नियोप्रिन, नियोप्रिन होता है ये। क्लोरोप्रिन, क्लोरोप्रिन का बहुल, क्लोरोप्रिन का जो पॉलीमर होता है वो नियोप्रिन कहलाता है, क्लोरोप्रिन से बनता है। क्लोरोप्रिन क्या होता है, जो आइसोप्रिन था उसमें यहाँ क्या था, CH3 था, उसकी जगह यहाँ Cl है, तो 2-chloro-1-3-butadiene, 2 पोजीशन पर क्लोरो। इसका वही पॉलीमर बनाएंगे तो यह बॉन्ड आगे चला जाएगा, ये बॉन्ड आगे जाएगा, रिंग बनती चली चेन बनती चली जाएगी, इसी तरह यहाँ इस साइड से अटैक होगा तो ये पॉलीमर का निर्माण जाएगा, इसे पॉलीक्लोरिन या नियोप्रिन रबड़ कहते हैं। सेकंड है ब्यूना एन, ब्यूना एन के नाम से ही इसके मोनोमर का नाम पता चलता है, BU4-butadiene, BU का मतलब है ब्यूटाडाइन यानी कि ये, ठीक है। Na का मतलब है सोडियम और N का मतलब है एक्रिलोनाइट्राइल, नाइट्राइल आ रहा है इसके अंदर इसलिए N लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस एक्रिलोनाइट्राइल, ब्यूटाडाइन, सोडियम, तो ब्यूना N का निर्माण कैसे होता है, सोडियम की उपस्थिति में ब्यूटाडाइन एक्रिलोनाइट्राइल के साथ रिएक्शन कर लेता है और पॉलीमराइजेशन कर लेता है। देखिए कैसे करे, ये इस पर इस साइड से रिंग अटैक करेगी, कोई दूसरा मॉलिक्यूल अटैक करेगा, ये आगे जाएगा, ये इस पर अटैक करेगा, इस तरह ये भी आगे बढ़ेगा। देखिए यहाँ से बन जाएगा बॉन्ड CH2, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और ये CN इस तरह नीचे लग जाएगा, ये कहलाएगा ब्यूना N। इसका NBR नाम भी है, नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबड़, N फॉर नाइट्राइल, नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबड़, तीसरा नाम है नाइट्राइल रबड़ भी बोलते हैं, ठीक है। तो सोडियम की उपस्थिति में ब्यूटाडाइन और एक्रिल नाइट्राइल मिलकर के क्या बनाते हैं, ब्यूना एन का निर्माण करते हैं। देखिए ये इसमें ये एडिशन टाइप का पॉलीमराइजेशन है, कोई साइड में मॉलिक्यूल नहीं निकल रहा है, साथ में होमोपोलीमर है, संबहुलक, होमोपोलीमर का मतलब इसमें केवल एक ही प्रकार के एकलक होते हैं, ये एडिशन है ये भी, क्योंकि इसमें कोई मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकल रहा है, लेकिन ये कोपोलीमर है, कोपोलीमर का मतलब जिसमें एक से अधिक मोनोमर जुड़ रहे हैं, तो एक मोनोमर ये है और एक मोनोमर ये है, तो कोपोलीमर का एग्जांपल है ये, ठीक है। नेक्स्ट रबड़ है ब्यूना एस, सेम जैसे ब्यूना एन है वैसे ब्यूना एस है, एक मिनट, सेकंड है, अगला एग्जांपल है ब्यूना एस का, देखिए ब्यूना एस के अंदर क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसमें सॉफ्टवेयर में, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे ही ब्यूना एस सिंपली नाम से पता चल रहा है ब्यूटाडाइन सोडियम और स्टाइरिन, S4 स्टाइरिन, स्टाइरिन यानी सोडियम की उपस्थिति में ब्यूटाडाइन यानी कि एक तो ये है, और इस CN की जगह है बेंजीन रिंग, उसको बोलते हैं स्टाइरिन, यानी इस CN की जगह लगा होगा बेंजीन रिंग, तो स्टाइरिन कहलाएगा। सेम वही रिएक्शन होगी, ये आगे जाएगा, ये आगे की तरफ अटैक करेगा, ये आगे की तरफ अटैक करेगा, केवल यहाँ क्या लग जाएगी, बेंजीन रिंग, और वो कहलाएगा स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबड़ यानी ब्यूना एस, और उसका नाम होगा ब्यूना एस या SBR, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबड़, जैसे नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबड़ बोलते हैं ऐसे स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबड़ बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ब्यूना एस है, वो भी कोपोलीमर का एग्जाम्पल है, वो भी जैसे कोपोलीमर बनते हैं वैसे ही बनता है वो भी, ठीक है।
नेक्स्ट सब ये जैसे ब्यूना एस दिख रहा है आपको यहाँ पर, ब्यूना एस के अंदर देखिए यहाँ ये ब्यूटाडाइन है, ये स्टाइरिन है, इसमें यहाँ जिसमें यहाँ बेंजीन रिंग लगी हुई है, सोडियम की उपस्थिति में रिएक्शन करता है, ब्यूना एस का निर्माण करता है और SBR भी कहते हैं। लास्ट है ब्यूटिल रबड़, ब्यूटिल रबड़ का निर्माण आइसो ब्यूटिलिन से होता है, आइसो ब्यूटिलिन होता है ये, टू मेथिल वन प्रोपील को बोलते हैं वन प्रोपीन। देखिए 1, 2, 3 टू मेथिल वन प्रोपीन, इसको आइसो ब्यूटिलिन बोलते हैं। अगर इसका पॉलीमराइजेशन कर दिया जाए तो यानी कि इस पर अटैक करेगा इस साइड से तो ये आगे की तरफ जाएगा, तो यानी कि यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा और पॉलीमर जो बन जाएगा, इसे पॉली आइसो ब्यूटिलिन या ब्यूटिल रबड़ भी बोलते हैं। ये ब्यूटिल रबड़ है, ये भी होमोपोलीमर है क्योंकि ए है इसके अंदर मोनोमर और वही एडिशन है, ये भी एडिशन है, लेकिन ये कोपोलीमर है क्योंकि इसमें दो टाइप के एक मोनोमर है। इसी तरह आइसोप्रीन होमोपोलीमर है तथा एडिशन है क्योंकि इसमें एक ही प्रकार का है। ये पॉलीआइसोब्यूटिलिन बहुत काम का गैस किट बनाने के काम आता है, गैस किट जिसमें गैस टैंकरों के अंदर के लेयर बनाते हैं, इससे आग प्रतिरोधी होता है ये। ठीक है, तो इनमें से रबड़ में से कोई क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, जनरली आता है डिप्लोमा के अंदर, नेचुरल रबड़ या सिंथेटिक रबड़। अगर सिंथेटिक रबड़ आ जाए तो आपको चारों लिख के आने, नेचुरल रबड़ आ जाए तो आपको उसका प्रोसीजर बताना है, जैसे मैंने बताया लेटेक्स के अंदर 1% एसिटिक एसिड मिला करके और सिस और ट्रांस दोनों रूप बनाने हैं, गट्टा पर्चा और नेचुरल रबड़ की। थैंक यू।